यूपी के बहराइच जिले के महाराजगंज इलाके में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, फायरिंग और आगजनी हुई। इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद लापरवाही बरतने वाले हरदी थाने के प्रभारी और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। ये मामला हरदी थाना इलाके के रेहुआ मंसूर गांव का है। यहां रविवार की शाम मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के लिए निकली थी। जुलूस जब महाराजगंज बाजार में पहुंचा और लोग जयकारा लगाते हुए अब्दुल हमीद के घर के सामने से जा रहे थे, इसी दौरान अज्ञात लोगों ने मूर्तियों पर पथराव शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, पथराव के बीच में ही उपद्रवियों ने फायरिंग भी कर दी। इनमें रेहुआ मंसूर गांव के ही रहने वाले राम गोपाल मिश्रा को गोली लग गई, जबकि एक अन्य शख्स भी घायल हो गया। इस घटना में घायल हुए दोनों युवकों को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज बहराइच में इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। जब इसकी जानकारी महाराजगंज बाजार में पहुंच रही तो विसर्जन के लिए जा रहे लोगों ने वाहनों और घरों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। इसमें चार घर जल गए। हिंसा और आगजनी के बाद मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगा दी गई, लेकिन जब इलाके में पुलिस फोर्स तैनात हुई तो फिर विसर्जन शुरू कर दिया गया। इस घटना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लिया। उनकी ओर से तुरंत ट्वीट किया गया कि बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सबको सुरक्षा की गारंटी है, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने के लिए निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिनकी लापरवाही से इस तरह की घटना घटित हुई उनकी पहचान की जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। सीएम योगी के निर्देश के बाद बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने सख्ती दिखाई और लापरवाही बरतने वाले हरदी थाने के एसओ सुरेश वर्मा और महसी चौकी इंचार्ज शिव कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। बहराइच पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला का दावा है कि अब इलाके में शांति है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मूर्ति विसर्जन के बाद दंगाइयों की पहचान करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।